सब आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो जी दोपहर के बज गए हैं 12:15 और अब मैं सबसे पहले जा रही हूँ ईशू को लेके डॉक्टर के यहाँ से, क्योंकि ईशू को कल, जैसा कि मैंने आपको वो वीडियो में बताया था कि कल स्कूल में ही फीवर हो गया था, तो फिर मैंने इसको आके दवाई दी थी, तो शाम के टाइम तो ये ठीक रही। शाम फिर मैं लेगी नहीं डॉक्टर के, मैं चलो, क्योंकि डॉक्टर की जो दवाई दी हुई वही मेरे पास रखी थी, वही मैंने दे दी थी इसको। तो आज सुबह फिर इसको बहुत तेज 102 फीवर था और आज इसके गले में भी दिक्कत हो रही, मैं चलो अभी तो कम है। हाँ सुई लगेगी, जैसा कृष्णा का सुई लगी थी ना। हाँ। कहाँ लगेगी ईशू का सुई? यहाँ पे लगेगी। और मैं क्या, चलो अभी तो कम है, दिखा लाती हूँ वरना फिर ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। और फीवर तो इसको हो ही रहा है, सुबह मैंने दवाई दे दी थी, अब तो नहीं है इतनी, और सुबह ज्यादा था, तो इसी की वजह से आज पूरा दिन मेरा इतना काम भी नहीं हुआ। और अभी दोपहर का खाना भी बनाना, मुझे आके 12:15 बज गए, तो मैंने सोचा पहले दिखा लाती हूँ, फिर डॉक्टर भी 1-1.5 बजे उठ जाते हैं, तो मैं कहा चलो इससे पहले ठीक है, चलो दिखा लो, तो आके बताऊंगी आपको क्या बताया। और इसे कहाँ छोड़ दूंगे, आगे यही, मैं ईशू को डॉक्टर के ले जाऊँ, आप यही जा लो। आज स्कूल भी नहीं गए आप? छुट्टी पड़ गई आपकी? हाँ। अच्छा, तो पूरा खुश है, छुट्टी पड़ गई इसके, स्कूल तक छुट्टी मिल गई इसको। तो जी चलते हैं, फिर आके बताऊंगी आपको क्या बताया डॉक्टर ने इसको। हम आ गए हैं डॉक्टर के यहाँ, तो डॉक्टर को दिखा लिया है हमने ईशू को, तो डॉक्टर ने देख लिया और इसका लिख दिए हैं टेस्ट, तो अब करवा रहे हैं यहाँ लैब में टेस्ट इसके। और इसको मतलब डॉक्टर ने देखते ही बोल दिया कि इसको दिक्कत ज़्यादा है, इन्फेक्शन ज़्यादा फैला हुआ इसके गले में और आंखों से ही पता चल रहा कि इसको बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन है, और आप इसका ध्यान रखना और 3-4 दिन तक मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत रहेगी इसको, इस और इन्फेक्शन ज़्यादा फैल गया, और देखने से ही लग रहा है इसके फेस से। और ये सुबह से आज परेशान भी हो रही कि मम्मा मुझे गले में बहुत ज़्यादा दर्द है, गले से कुछ नहीं निकला जा रहा, और फीवर भी इसको बार बार हो रहा, जैसा दवाई देते हैं तो उतर जाता है, बाकी फिर से दोबारा हो जाता है। तो यहाँ इसका ब्लड ले लिया है इन्होंने सैंपल, तो बस अब टेस्ट रिपोर्ट आ जाएगी थोड़ी देर में, फिर हम डॉक्टर को दिखा के घर चलेंगे दवाई लेके। दवाई लेके आ गए हम, दिखा के आए हैं ईशू को, और ईशू के टेस्ट भी हुए हैं, तो वैसे तो और सारे तो ठीक आए, लेकिन इसकी एक तो वायरल इन्फेक्शन बताया डॉक्टर ने कि बहुत ज़्यादा हो रहा है इसको, और ये फैल भी रहा बहुत ज्यादा। डॉक्टर बोल रहा कि आजकल बहुत ज्यादा स्कूलों में फैला हुआ, ये एक बच्चे को तो ही सबको हो जाता है आसपास के बच्चों को, और एक तो इसका स्कूल में जाना बंद करा, दूसरा इसकी आई है जो प्लेटें होती है वो कम आई बहुत ज्यादा, तो उसके लिए डॉक्टर ने इनको इसको रेस्ट बताया करने के लिए, दवाई भी दी है और खाने पीने में फ्रूट्स वगैरह कीवी अनार वगैरह ये बोले, तो ये दवाई देके काफी सारी, ये देखिए इतनी सारी दवाई ये देंगी इसको, अब देनी शुरू करूंगी थोड़ी, और काफी लेट होगी, 1:30 बज गया, बुड्ढू के आने का टाइम भी हो गया, मैं खाना भी बनाऊंगी, तो एक आध अब दे दूंगी और ये रेस्ट कर लेगी। अभी इसके पापा फिर जाएंगे इसके लिए फ्रूट लेने के लिए, क्योंकि डॉक्टर ने बोला जितना ज्यादा इसको फ्रूट वगैरह खिलाओगे उतना ही ज्यादा ये जल्दी ठीक होगी, और इसी से ही ये प्लेटें ठीक होंगी, तो बस दवाई अपना काम करेगी फ्रूट अपना। तो जी बस मैं खाना बना लेती हूँ और इसको भी देखना खाना भी बनाना, तो आके बनाने लगे हैं खाना, और यहाँ आई हैं बोलने लगे लाओ मैं दाल बना देता हूँ, दाल बनाई है हमने मूंग और मसूर की पतली सी, और मैं बनाने लगी हूँ आटा, क्योंकि लेट हो गए थे काफ़ी डॉक्टर के यहीं, और बस वही है जब मन परेशान हो जाता है तो काम करने में भी मन नहीं लगता, जब मन खुश होता है तभी काम अच्छे से होता है, और जब डॉक्टर ने बताया ना जाते ही बोल दिया कि इसको इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा, और आप इसका ध्यान रखिए और इसे मतलब सब बच्चों से दूर ही रखिए, यही बोला उन्होंने बच्चों से क्या बड़ों से, क्योंकि ये वायरल इन्फेक्शन है फैलने वाला, और बस और गले में देख मतलब ज़्यादा दिक्कत है, और जो इसकी प्लेट्स होती हैं वो भी बहुत ज़्यादा कम हो रही, नॉर्मल होती है शायद 2 लाख या कितनी होती होंगी नॉर्मल, तो इसकी 120 है, तो कम है बहुत ज़्यादा, तो डॉक्टर ने कहा है कि खाने पीने का ध्यान रखो, और बस उसकी वजह से ही मन सा बहुत परेशान हो रहा, पता नहीं क्या हो रहा क्या नहीं, आप भी देख रहे होंगे अभी मतलब एक के बाद एक बच्चा बीमार हो रहा, पहले कृष्णा हुआ फिर गुड्डू हुई फिर शिवांश अब ईशू, और दिक्कत मतलब ये नहीं कि थोड़ी बहुत है, चल बच्चे बीमार होते हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन
सारों को ही ज़्यादा ही परेशानी हो रही, बहुत ज़्यादा। और ईशु को दोपहर के टाइम तक तो इतनी दिक्कत नहीं थी, लेकिन शाम के टाइम उसको इतनी ज़्यादा दिक्कत हो गई थी, बहुत ज़्यादा। वो ना रोने लगी थी क्योंकि उसके गले में इतनी दिक्कत हुई, चुभने जैसा चुभना शुरू हो जाता है ना ऐसे, ना तो उससे निगला जा रहा था कुछ, बिल्कुल भी हो ही रहा अभी तक भी, आज भी उसको आराम नहीं। और सारी रात हमने बैठ के काटी है, पूरी रात आज, ये समझ लो। मतलब ये तो दिन की वीडियो आप देख रहे हैं, लेकिन शाम के बाद मेरा मतलब मन बहुत दुखी हुआ उसे देख के, और इतनी दर्द हो रही थी उसके गले में बहुत ज़्यादा। पता नहीं, बस बच्चे को देख के ना इतना दुख होता है बहुत ज़्यादा। मैं तो यही सब भगवान को बोलती हूँ कि भाई भगवान बच्चों को कभी भी मतलब बीमार ना करे, बच्चों का दुख ना देखा नहीं जाता। लेकिन भगवान पता नहीं और कितनी परीक्षाएं लेगा हमारी, एक के बाद एक बच्चा ठीक नहीं होता, दूसरा बीमार, और वो ही ज़्यादा से ज़्यादा दिक्कत। और इन ईशु की ना कंडीशन बहुत वीक हो रही है आज, बहुत ज़्यादा कमज़ोर होगी वो, और मतलब तबीयत ज़्यादा ही ख़राब है ये समझ लो आप। तो बस वही है, तो दोपहर का टाइम है तो मैंने खाना बना दिया था, रोटी बना दी इन्होंने, दाल बना दी, उसके बाद सलाद वगैरह बना दी, काट दी मैंने, और बस गुड्डू भी आ गई थी, और लेट तो आज हम हो गए थे खाने में, तो उसके बाद बस मैंने लगा दिया है खाना। गुड्डू को ले आया था कन्हैया, और बस उसने भी फिर खाना सबके लिए लगा दिया। और ईशु को भी मैंने ये पतली सी दाल इसीलिए मूंग मसूर की बनाई थी, मैं इसमें चूर के खा लेगी, लेकिन उससे वो रोटी भी नहीं खाई गई, गले में इतनी ज़्यादा लगी उसके रोटी, बहुत ज़्यादा, तो उससे खाई नहीं गई। नमक से का हो जाता है ना, तो वो भी लग रहा, नमक का क्या, पानी भी जैसा गरारे भी कर रही वो। और गुड्डू थोड़ा आलस करती थी सारी चीज़ में, आलस क्या करती ही नहीं थी बिल्कुल भी, जैसा गरारे वगैरह, लेकिन ईशु तो बेचारी बार बार करती रहती है, जैसे भी उसको बोलते हैं ना, वो कह बेटे ऐसा कर ले आराम मिलेगा, तो वो करती रहती है बार बार, जैसा भी बोल लो वो ही, लेकिन फिर भी उसको दिक्कत बहुत ज़्यादा हो रही। गरारे भी मैं उसको बार बार करवा रही, नमक का पानी दे रही पीने के लिए, ठंडा भी नहीं दे रही, पानी भी गर्म ही दे रही, स्टीम भी दे रहे हैं हम उसको, लेकिन अभी तक उसको कोई भी आराम नहीं। मतलब ये जो वीडियो है ये कल की है, और आज मैं इसको सेट कर रही, अभी तक भी उसको कोई आराम नहीं है, कंडीशन उसकी और वीक ही हो रही, इतनी ज़्यादा दिक्कत रही रात तो बहुत ज़्यादा। रात क्या, सुबह ही फीवर भी बार बार हो रहा, जैसा दवाई का थोड़ा असर रहता है तो कम हो जाता है, बाकी फिर से तेज़ हो जाता है। और बस फिर मैं उसको दवाई दुई दे रही हूँ ऐसे ही, और दवाई भी काफ़ी सारी दी है डॉक्टर ने, और बोल रही कि मम्मा इतनी सारी दवाई क्यों दी डॉक्टर ने, तो यहाँ बस वो फिर देनी तो आई वही है, मैं कहा आराम हो जाए जैसा कैसा है। तो दोपहर में दवाई देने के बाद, खाना खुना खाने के बाद मैं उसको लेके लेट गई थी, आराम किया थोड़ी देर, मैं कहा चलो लेट जाओ, लेकिन वो लेटते हुए भी बहुत परेशान रही। और खैर दिन में तो वो थोड़ी बहुत ही लेट भी गई थी, लेकिन रात उसको बहुत दिक्कत रही, मतलब लेटा नहीं गया। और अब मेरा हो गया है शाम का काम शुरू, तो शाम के ये कल मैंने कपड़े धोए थे तो ये भी ऐसे ही पड़े थे। और जब कोई भी बीमार हो जाता है ना घर में, बच्चा है कुछ बड़े कोई भी हो जाता है, तो मन ना एक तो काम में बिल्कुल नहीं लगता, और काम चाहे हम कितना भी कर लो, एक तो थकन अपने आप ही इतनी हो जाती है बिना काम करे बहुत ही, क्योंकि मन दुखी रहता है इस वजह से, और काम भी कुछ नहीं होता। आज मेरा पूरा दिन ऐसा निकल गया, ना तो मुझे रेस्ट मिला और ना मैंने कुछ काम किया ही, क्योंकि जब भी काम करूँ बस मन से थकन सी हो रही है, थोड़ी सी देर करूँ फिर छोड़ दूँ, थोड़ी सी देर कर रही थी फिर छोड़ रही थी, ऐसा ही पूरा दिन निकल गया आज। और ना मेरा कुछ काम हुआ जो भी मैं करती हूँ अलग से, कुछ भी काम नहीं हुआ अलग से, क्या ये भी नॉर्मल प्रेस के कपड़े भी मैंने निकाल दिए थे, मैं क्या करूँगी ये भी नहीं हुए, तो यहाँ प्रेस के कपड़े मैंने निकाल दिए साइड में, और ये जो कपड़े हैं बिना प्रेस के इनको रख दूँगी तय करके, तय बना के रख दूँगी। और यहाँ शायद भाई भी बैठा है और गुड्डू के पापा भी कुर्सी पे, तो मैं उनके साथ बात भी कर रही हूँ। और ईशु अभी सोई हुई थी, मैं कहा चलो जितना सोएगी उसको रेस्ट मिलेगा इतना ही, तो वो सो गई थी, और बस मैं अपने काम कर रही हूँ। नमस्ते बेटा, जैसा आपका सुई लगी थी ऐसे ही लगी इसका भी आज सुई, रुई साइड हो जा, किसे का तो एक बोतल खून लिगड़ा, इसका एक प्लेट लिगड़ा, ईशु का टेस्ट कब है ना उसका। और यहाँ देखिए शाम के टाइम कृष्णा पीयू रूही भी आ गए थे, और ईशु को इसके पापा दे रहे हैं स्टीम,
और स्टीम वही डॉक्टर ने बताया कि गले की ज़्यादा दिक्कत है इसको, कई कई बार स्टीम दो, लेकिन वही है वो ले तो रही है बेचारी, परेशान हो रही बहुत ज़्यादा, उसकी दिक्कत बहुत ज़्यादा है। तो यार अब हो गया है शाम का टाइम और मैं बनाऊँगी खाना, और खाने में मैं बनाऊँगी करेले। करेले बनाना तो कुछ इतना था नहीं, सिंपल सा ही बनाना था, लेकिन ये करेले मैं मंडी से लेकर आई थी ना, तो ये ना रखे रखे पक्षी गए, 2 दिन हो गए ना इनको लाए हुए, इसलिए तो मैंने सोचा अगर ये और ज़्यादा रखे रहेंगे तो ये सारे ही ख़राब हो जाएंगे, तो मैं जितना भी इसमें से निकलेंगे मैं निकाल लूँगी, बाकी तो ये पके हुए से लग रहे हैं मुझे, तो मैं बस जो ख़राब है मैं निकाल दूँगी और जो सही सही है उनको काट लूँगी, तो सर्कल में ही काट लूँगी मैं इनको और प्याज भी काट लूँगी। यहाँ मैंने देखे ये करेले काटती है और ये ना बहुत ज़्यादा पके हुए निकले, तो मतलब जो ठीक ठीक से थे वे काट लिए, बाकी मैंने फेंक दिए, और ये प्याज काट ली, तो अब मैं इनको बनाऊंगी करेले और प्याज को। और अब मैं इनको बनाना शुरू करती हूँ, तो यहाँ मैंने सरसों का तेल ले लिया और सबसे पहले आज मैं इनको करूँगी फ्राई। पहले तो आपने देखा होगा मैं सिंपल ही बना लेती हूँ, जैसे पहले तड़का लगा के प्याज वगैरह डाल के फिर करेले डालती हूँ, लेकिन आज मैं इनको थोड़ा अलग तरीके से बनाऊँगी, और अगर आपको करेले कड़वे लगते हैं तो इस तरीके से बनाई तो ये बिल्कुल भी कड़वे नहीं लगते। तो यहाँ मैंने इनको तेल में बस कुछ नहीं डाला, सिंपल से ऐसे ही फ्राई कर लिए थोड़ी देर, और ये बिल्कुल सॉफ्ट हो गए और जल्दी हो जाते हैं, लगभग 5 मिनट में, ज़्यादा मतलब टाइम नहीं लगता। तो फ्राई हो चुके हैं ये करेले, अब मैं इनको निकाल दूंगी, अब हम इनमें लगाएंगे तड़का। तो तड़के के लिए ऑयल यही बहुत है, ज़्यादा नहीं डालना, और अब मैं इसमें डाल लूँगी जीरा और धनिया और इनको चटका लेंगे। तो जीरा धनिया डालने के बाद फिर जो प्याज मैंने काट के रखी है और इनको डाल लेंगे, तो इनको हल्का सा सॉफ्ट करना है हमें, ज़्यादा मतलब भूनना नहीं, बिल्कुल बहुत ज़्यादा नहीं भूनना, सॉफ्ट सा करना, तब तक हम इनको चला लेंगे। देखिए सॉफ्ट हो चुकी है, अब हम इसके अंदर डाल लेंगे मसाले जो भी हमें डालने हैं। मैंने इसमें हल्दी डाली है, नमक डाला है, मिर्च डाली है और धनिया पाउडर, और आपको जो भी मसाले डालने डाल सकते हैं, वैसे इसमें ज़्यादा मसाले नहीं लगते और ये वाले करेले बहुत जल्दी बन के तैयार भी हो जाते हैं और कड़वे भी नहीं लगते। तो इसको अगर आप करेले जल्दी मतलब आपके पास कम टाइम है और करेले बनाना चाहते हैं तो इस तरीके से बनाएं, तो ये बहुत जल्दी बनके तैयार हो जाते हैं। देखिए प्याज मसाले सारे भुनने के बाद फिर मैंने करेले भी डाल लिए और 5 मिनट इनको ढक के रख दिया, और बस ये देखिए बनके तैयार हो गए, और ऑयल भी इन्होंने अच्छे से छोड़ दिया था, तो मैंने थोड़े से बस गैस तेज़ करके भून दिए हैं, तो हमारे करेले और प्याज की सब्जी बनके हो गई है तैयार। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट एकदम। और अब मैं करने लगी हूँ शाम की संध्या, और बस यहाँ कर रही हूँ आरती, और कृष्णा भी आ गया था फिर मेरे पास, कृष्णा कहने लगा कि मम्मा मुझे भी करनी है आरती, मुझसे भी करवाओ, तो यहाँ बस फिर मैं उससे भी करवाने लगी हूँ। फिर आ गई हूँ मैं किचन में, और ईशु के लिए बनाऊंगी मूंग की दाल वाली खिचड़ी, और मूंग की दाल ले ली मैंने छिलके वाली और चावल ले लिया। अब इनमें हल्का सा जीरा घी में डाल के चटका के थोड़ी सी हल्दी डाल के चावल छोड़ दूंगी और बस पानी डाल दूंगी, और ये वाली खिचड़ी अच्छी रहती है तो उसके लिए मैंने बना दी। यहाँ देखिए करेले भी बन गए और इस पे मैंने ईशु के लिए खिचड़ी बना दी। बच्चे यही है ईशु पीऊ सारे और कृष्णा भी, तो मैंने थोड़ी ज्यादा सी बना दी, बच्चे सारे खा लेंगे खिचड़ी, और करेले भी बन गए। सुबह की दोपहर जो दाल बनाई थी वो भी रखी थोड़ी सी, ये देखिए। तो बस अब मुझे रोटी बनानी है, खिचड़ी बन जाएगी फिर मैं रोटी बना दूंगी सबके लिए, जो जो भी खाएगा वो खा लेगा। और बस अब मैं थोड़ी सी देर जा रही हूँ ऊपर, खिचड़ी मैंने रख दी कम गैस करके, वो उबल जाएगी अच्छे से। और ईशु की तबीयत ना ज़्यादा ही हो रही है दिक्कत आज, उसे परेशान हो रही है, वो रो भी रही है बार बार बीच में, क्योंकि गले में उसके बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही, तो उसकी वजह से मेरा मन भी बहुत परेशान सा हो रहा है, बस वो ठीक हो जाए कैसे तो कैसे है। और डॉक्टर ने बोला है कि आज तो थोड़ी ज़्यादा दिक्कत रहेगी, कल थोड़ा आराम मिलना शुरू होगा। अभी उसके पापा उसको ऊपर लेके गए, तो मैं अभी जा रही देखती हूँ जाकर, थोड़ी सी उसको रिलैक्स मिलेगा, मन परेशान सा हो रहा बस उसकी वजह से, क्योंकि दिक्कत उसको ज़्यादा हो रही बहुत ज़्यादा, वही बिल्कुल जैसा गुड्डू की सिचुएशन थी वही हो रही, गले में ज़्यादा दिक्कत है, फीवर भी है, अब तो नहीं है, दवाई ले ली थी लेकिन गले में इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा, तो डॉक्टर कह रहा था कि ज़्यादा है दिक्कत,
तो आप इसका ध्यान रखना। तो बस ऐसे ही वो ना बार बार रोस ही रही था, थोड़ा मन सा परेशान हो रहा देख के उसे। और बस मैं जा रही हूँ ऊपर, थोड़ी देर में आके फिर मैं रोटी बनाऊंगी और बस वीडियो का एंड करूंगी मैं यहीं पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और ये रहा बंदर। तो जी मिलते हैं एक और नई अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय, राधे राधे। और थोड़ा सा मन इसकी वजह से थोड़ा सा हमारा भी खुश हो जाता है, क्योंकि असल में छोटे बच्चे के साथ पता नहीं चलता टाइम का, वो कभी कुछ कभी कुछ ऐसी कॉमेडी सी बातें करता रहता है, आजकल तो कुछ ज़्यादा ही बोलने लगा। तो जी खैर, मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।